हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमास लाइफस्टाइल। कैसे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक धमाकेदार ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने बांद्रा लिंकिंग रोड, वहाँ पे जो स्ट्रीट शॉपिंग है उसके लिए जा रही हूँ। ये बहुत ही फेमस जगह है मुंबई में शॉपिंग के लिए, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। आपके जो है अच्छे बजट में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको ट्रेंडी ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी और जो ट्रेंडी क्लोथ्स होते हैं न्यू, वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। और आपको करना पड़ता है अच्छा खासा बार्गेन। तो ये याद रखिए कि अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो ये प्लेस आपके लिए नहीं है। आप घर से जो है एकदम रेडी होके जाए कि आज मुझे बार्गेनिंग करनी ही है, तो आपको जो है वो ज़्यादा रेट बताते हैं, बट आप उसको उसके हाफ रेट में उस पर बार्गेन करें तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से और अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर सुंदर मोबाइल के कवर्स हैं, इयर रिंग्स हैं, मार्केट है पूरा। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे जो हैं क्लोथ्स हैं एंड सैंडल्स हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, ये जो जो स्लीपर है और ये सैंडल है, उन्होंने मुझे 550 का कहा था। कम कराते कराते मैं इसे 250 तक लेके आई, बट दोनों ही जो है मेरे पसंद के नहीं थे। एक जो है जो चप्पल था, स्लीपर था, वो मुझे छोटा पड़ गया था, और जो सैंडल था वो शूज़ टाइप का जो सैंडल था उसमें जो है मुझे दूसरा कलर पसंद था। तो मैं अनलकी थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं टी शर्ट एंड ऑल। एक बात और कहना चाहूँगी, जब आप बार्गेन करके इन क्लोथ्स को ख़रीदते हो तो कपड़ों को पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, ताकि कोई भी आपको पछतावा ना रह जाए अगर कुछ भी उसमें फॉल्ट होगा। तो यही बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप कपड़े जो हैं अच्छे से ढंग से चेक करके लिया कीजिए। तो बांद्रा लिंकिंग रोड से की मैंने थोड़ी कुछ शॉपिंग, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो के लास्ट में है, देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम निकल गए फिनिक्स मॉल। कोई प्लान नहीं था, बट मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में इस मॉल के बारे में सुना था कि यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इस मॉल में भी चलते हैं। ये मॉल है कुर्ला में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल सा मॉल है और बड़ा मॉल है, और यहाँ पे सारे जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स मेकअप के, कपड़ों के, कोई भी जो ऐसे ब्रांड्स हैं वो आप कह ही नहीं सकते हो, आपको मिलेंगे नहीं इस मॉल में। तो चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ। We'll be right back.
when it hurts like this. और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद में यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हमें दिखा वन प्लस का जो शोरूम होता है वो। तो जैसे कि आपको मालूम है वन प्लस 7T जो है बहुत ज़ोरों शोरों से सबके बीच में प्रचलित हो रहा है, मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन। तो मेरे हस्बैंड की भी इच्छा हो गई इसे लेने के लिए, तो उन्होंने जो अपना ओल्ड वाला ये था उसको एक्सचेंज करके ये वन प्लस 7T ले लिया। और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें सेल फ़ोन लेना है, बट कहते हैं ना कि जो होने वाला रहता है तो हम उस जगह पे अचानक से पहुंच ही जाते हैं और मन भी बन जाता है। वैसे तो ऐसे कोई ख़ास मन नहीं था, बट मैंने कहा कि आप ले लो, आपका जो है अगर अच्छा लग रहा है तो। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोन कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर सा फ़ोन है। और आपको मैं दिखाती हूँ और बॉक्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे ओपन किया मैंने बॉक्स, बॉक्स में ये जो सिम कार्ड को लगाते हैं उसका पिन है ओपन करने के लिए, और ये चार्जिंग केबल है फोल्ड किया हुआ, और ये चार्जर मेन चार्जर है। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स में इतनी ही चीज़ें हैं। तो आपको कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉपिंग से अभी टाइम हो रहा है 10:47, तो फटाफट कर लिया मैंने चेंज करके फेस वॉश वगैरह कर लिया। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ मैंने शॉपिंग क्या की है। वैसे ज्यादा कोई शॉपिंग तो मैंने की नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ लिया है मैंने। खाली आज मैं एक्सप्लोर करने गई थी, देखने गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है अपने लिए ये ब्रेसलेट, ये आप देख सकते हैं इस काइंड का ब्रेसलेट है। और इसे जो है हैंड में ऐसे डाल के इस तरीके से राउंड राउंड करके आप जो है वेयर कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट थी उसने मुझे बताई थी 100 रुपीस, पर बार्गेनिंग करते करते जो है मैं इसे जो लास्ट फाइनल प्राइस है मैंने खरीदा इसे 50 रुपीस में। तो ये बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट है। अब दूसरी जो चीज़ ली है वो ली है मैंने ये रुमाल, क्योंकि ये जो है 180 का 12 बता रहा है मुझे, बट मैंने इसमें भी की खूब जम के बार्गेनिंग, तो मुझे 100 रुपीज़ में ये 12 रुमाल मिले हैं, कुल एक दर्जन है। इसको अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, तो ये जो है फुल साइज का ऐसा जो है हैंग किया है। चीज जो है मैंने खरीदी है वो है ये टी शर्ट्स मिकी माउस की, तो काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स हैं। और ये मुझे जो है उन्होंने बताया था 700 का एक बता रहा था, बट मैंने बार्गिन करके इसको जो है 400 में 2 लिया है। हाँ, 400 में 2 ये टी शर्ट्स लिए हैं। तो ये मिकी माउस के प्रिंट वाला सुंदर सा टी शर्ट है, और बाकी जो ये है इस पर मिनियन है सुंदर सा। तो ये जो 2 टी शर्ट्स हैं मैंने खरीदे हैं 400 में। और जो नेक्स्ट मैंने शॉपिंग की है ये मैंने लिया है मॉल से, तो ये इस पेड़ा ब्रांड का है, आप देख सकते हो ये इधर पे ब्रांडिंग की हुई है, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा। और मेरे पास ऑलरेडी इस ब्रांड का जो है पर्स है, तो इस पे कुछ ऑफ चल रहा था 50% का, तो ये पर्स जो है
मैंने लिया है, ये पर्स मैंने अपने लिए नहीं लिया, तो ये पर्स मैंने लिया है अपनी मदर इन लॉ के लिए, मम्मी के लिए लिया है मैंने, तो ये ऐसा पर्स है, काफी खूबसूरत लगा मुझे, तो ये मैंने उनके लिए ले लिया है। तो गाइस ये था मेरा शॉपिंग हॉल साथ ही साथ में, और छोटी मोटी सी कुछ चीजें खरीदी मैंने। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो ज्यादा से ज्यादा इस ब्लॉग को आपको क्या करना है मालूम है ना, लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, टिल देन नमस्कार।